हेलो गाइस, आई एम योर कोच दीपक वाधवा हियर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये है किसके बारे में, ये है RRB-SO का डिटेल एनालिसिस। कोई चार पांच क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट 40 में से, जहां पे आपको काफी सारे डाउट्स है, आंसर क्या आने वाला है, तो वो डाउट्स आपके क्लियर कर देते हैं, है ना। एंड सेम आपके वीडियो का जो PDF है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे सिंपली जाके आप सर्च कीजिए एग्री कोचिंग। मैंने PDF इसका डाल दिया, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर के लिए आप क्वेश्चंस को स्टडी कर सके। एंड क्वेश्चंस के लिए काफी सारा यूजफुल डेटा है ना, एक्सप्लेनेशन उतनी रिक्वायर्ड नहीं थी जितना आपको डेटा रिक्वायर्ड था, तो काफी सारा यूजफुल डेटा मैंने ऐड करा है। आप प्रिंट आउट लेकर उसे सेव कर सकते हैं, काफी कुछ यहाँ दिखाता हूं आपको। हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। डेटा जो है सारा का सारा आपको वहां पे प्रोवाइड करवाता जाऊंगा, PDF है, प्रिंट आउट चाहो आप वो ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो गाइस, आपका RRB-SO का जो क्वेश्चन पेपर जो 13th ऑफ अक्टूबर को कंडक्ट होता है ना, उसका हम डिटेल एनालिसिस देखते हैं, क्या क्या उसमें पूछा गया और क्या उसके आंसर थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कंडीशन वेयर टू बैचेस ऑफ मेल फ्लावर एंड बैचेस ऑफ फीमेल फ्लावर आर सेपरेटेड टेम्पररीली, दिस कंडीशन इज नोन एज डाइकोगामी। बच्चों क्या होता है डाइकोगामी, दो पार्ट आपके प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनी, ये हम समझते हैं। मतलब इनमें क्या हो रहा है, सेम टाइम पे दोनों मैच्योर नहीं हो रहे, एंट्री बर्ड आ रहा है तो मतलब मेल आ रहा है, गायनी आ रहा है फीमेल, ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है इतना समझ सकते हो। प्रोटो एंट्री प्रोटो गायनी, प्रोटो एंट्री मतलब मेल जल्दी मैच्योर हो गया, गायनी मतलब फीमेल जल्दी मैच्योर हो गया। बट वहां पे क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई कि सेम टाइम पे दोनों मैच्योर नहीं हुए। टॉकिंग अबाउट द थर्ड, आपका जो सी है हार्कोगामी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट करते हैं, कि जैसे हमने उनके पोटेंशियल कंट्रोल करने के लिए किसी भी टाइप का आर्टिफिशियल बैरियर डाल दिया, वो क्या हो गया, हार्कोगामी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारा आएगा डुओडाइकोगामी। डुओडाइकोगामी होता क्या है, जब डुओडाइकोगामी की बात करता हूँ क्या होता है भाई, इज द जो क्वेश्चन की डेफिनेशन है ना, एग्जैक्टली वही लिखा गया था, इज द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ डाइकोगामी in angiosperm which is characterized by flowering in the sequence male female male, wahi to wahan pe likha gaya tha na, so exactly duodicogamy ki definition wahan pe likhi hai। question number 2 pe move karte hain, anthea asmensis, kuch bhi nahi yaar, muga silkworm ka scientific name likha gaya tha, image aap dekh sakte hain, detail aapko sari ki sari yahan pe de raha hu muga silkworm ke bare mein। video ko 2 minute ke liye pause karo, detail ko study karo, muga silkworm ka jo major part tha maine yahan pe add kar diya। next, साइट्रेट सोल्यूबल फर्टिलाइजर बट वॉटर इनसोल्यूबल, यहाँ पे आपका डाउट था, ये रॉक फॉस्फेट भी हो सकता था, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका डीसीपी भी हो सकता है। क्या होता है बताता हूं आपको, अगर तो मैं डीसीपी को ऑप्शन से हटा देता हूं तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा रॉक फॉस्फेट। बट रॉक फॉस्फेट साथ साथ डीसीपी था, जो रॉक फॉस्फेट है ना वो साइट्रेट सोल्यूबल तो है बट बड़ा ही स्लाइटली सोल्यूबल है, और जब डीसीपी की बात करता हूं ये क्या है, ये आपका रैपिड सोल्यूबल है, या फिर बोलो कि रिडली सोल्यूबल है। तो दोनों जब साथ में आते हैं, कंपैरिजन जब मैं लूंगा तो कंपैरेटिवली मुझे सही करना पड़ेगा किसको, डीसीपी को। अगर डीसीपी हट जाएगा आंसर विल बी रॉक फॉस्फेट, बिकॉज वो भी क्या है, इनसोल्यूबल है। बट हियर द राइट आंसर विल बी डीसीपी। डिटेल देता हूं आपको बच्चों, ऐसा नहीं कि सीधा आंसर ही दे दो, ये डेटा आपके सामने है ना, कंप्लीट आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, फिर आपका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, कौन से इनसोल्यूबल है, कौन से साइट्रिक सोल्यूबल है, कौन से वॉटर सोल्यूबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके वॉटर सोल्यूबल की डिटेल दी गई है, ये आपके साइट्रिक सोल्यूबल की है, और ये आपके इनसोल्यूबल है ना, कौन से, आपके TCP मतलब ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीजियन इज अ ब्रीड ऑफ शीप गोट स्वाइन काउ और बफेलो है ना, हॉर्स ऑप्शन के अंदर नहीं था, ऑलमोस्ट ज्यादा तो नहीं, इलिजिबल स्टूडेंट मेरे पास 12 थे एंड अपीयर मेरे पास 100+ है ना, 100+ अपीयर हुए थे, सभी का फीडबैक यहाँ पे, हॉर्स वॉज नॉट देयर इन द ऑप्शन है ना। मैंने महाराष्ट्र ब्रांच, हमारे महाराष्ट्र ब्रांच के अंदर बच्चों से रीड दिया, देन वी हैव टेकन द फीडबैक फ्रॉम द कानपुर ब्रांच, फ्रॉम सागर ब्रांच, औरंगाबाद ब्रांच, फ्रॉम पुणे ब्रांच, तो हॉर्स ऑप्शन के अंदर नहीं था। सो इफ हॉर्स इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, राइट आंसर हमारा क्या आता है, काउ आता है ना, ऐसे ही क्लेम नहीं, क्योंकि आपका जो फ्रीजियन है, फ्रीजियन हॉर्स, ब्लैक हॉर्स भी होता है ना, बट फ्रीजियन नहीं। और एक लॉजिकल सी बात है यार, सोचो काउ आ सकता है, शीप आ सकता है, स्वाइन आता है, स्वाइन बिकॉज फिगरी काफी फेमस है, व्हाइल दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट हॉर्स, क्या हॉर्स का उतना इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में,
नहीं है ना, पिगरी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर रिलीजियस इशू आ जाते हैं, तो वो जो पोर्क है आपका या फिर जो आपका मीट है, किसका मीट आपके स्वाइन का, पिग का, सोर का, उतना फेमस नहीं हो पाया, बट पिगरीज का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। तो पिग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लॉजिकल सी बात है, पूछा जा सकता है, बट हॉर्स के चांसेस नहीं, हॉर्स वॉज नॉट देयर इन द ऑप्शंस। राइट आंसर यहाँ पे क्या आता है आपका फ्रीजियन के लिए, काउ विल बी द राइट आंसर, और इसके बारे में आप सारे लोग जानते हैं। Which instrument is used to cut the hard branches and woody stubs of the plant? मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप पीछे इमेज के अंदर देख पा रहे हैं आपका सिकेचियर जो होता है, सिकेचियर का काम ही यही है यार, उसको बनाया इसके लिए जाता है ना। आप अगर गार्डनर हो, काफी सारे बच्चे होंगे जो किसी बगीचे वाले पर्सन को, ऑर्चर्ड वाले को जानते हो, ऑर्चर्ड के अंदर they are always having सिकेचियर। सिकेचियर को हर एक गार्डनर अपने पास रखता है, किस लिए? वो क्या करता है, उससे कटिंग करता है। किसकी वो कटिंग करता है? वो कटिंग करता है हार्ड ब्रांचेस की, बिकॉज सीजर कैंची जैसा ही कुछ होता है, बट इसकी स्ट्रक्चर बड़ी हार्ड होती है। क्यों होती है? ताकि वो क्या कर पाए, हार्ड ब्रांचेस कटिंग कर पाए। तो विदाउट एनी डाउट यहाँ पे क्या आएगा आपका जो आंसर आएगा, सिकेचियर आंसर आएगा, है ना। बिलहुक के लिए बच्चों का डाउट था, दिस साइड के सर बिलहुक भी आ सकता है, बिलहुक नहीं, खुद कंपैरिजन करो, मुझे ब्रांचेस काटनी है, मुझे पूरा पेड़ थोड़ी काट देना है उसका, ये तो पूरी की पूरी उसकी वुड को काट देगा, पेड़ आपका अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। मुझे मेरे पेड़ को अनप्रोडक्टिव नहीं बनाना है, मुझे जस्ट उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कटिंग करनी है। सो मेक श्योर गाइस राइट आंसर विल बी सिकेचियर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं, स्वाइन पिग सुअर की बात करी गई थी यहां पे। इन स्वाइन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द इंट्रासेलुलर पैरासाइट रिजल्टिंग इन द ब्लडी डायरिया इन स्वाइन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आता है, राइट आंसर इसका आएगा ई ऑप्शन आपका, कोक्सीडियोसिस, है ना। यहाँ पे अगेन एक डाउट था स्वाइन डायसेंट्री का, तो मैंने बच्चे को बताया कि बेटा पढ़ नहीं पाए हो ठीक से इंग्लिश में, स्वाइन डायसेंट्री इज द नेम ऑफ डिजीज, ये कोई आपका पैरासाइट नहीं है, दिस इज अ डिजीज। पैरासाइट होना और एक डिजीज होना बहुत अलग अलग बात है, बट अक्सर ऐसा होता है हम जब पढ़ते हैं कहीं ना कहीं पढ़ने में लैंग्वेज में फंस जाते हैं, बिकॉज इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है बट इंग्लिश को समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो आपका जो स्वाइन डायसेंट्री है, इट्स अ डिजीज नॉट अ बैक्टीरिया नॉट अ पैरासाइट। राइट आंसर यहाँ पे क्या आता है आपका, ई आता है, कोक्सीडियोसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच वन इज द गामा रे म्यूटेंट ऑफ शुगर केन फ्रॉम CO527। तो CO527 से वैरायटी बनती है जिसमें क्लेम किया गया कि ये अपने मदर प्लांट से 40% ज्यादा प्रोडक्शन देती है, ये आपकी कौन सी है, इट इज CO8152, है ना। सो इसके बारे में आपको डेटा देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, म्यूटेंट वैरायटी से, तो शुगर केन की बात नहीं करूंगा, है ना, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन जब आ गया तो किसी और से पूछा जा सकता है। सो हियर यू कैन सी द डेटा, राइस की जगन्नाथ वैरायटी, व्हीट की NP836, शुगर केन की CO8152 CO8153, आपका जो क्या है क्वार्टर इंडोर 2, एंड उसके बाद जूट की इसमें JRO514 एंड JRO412, ये सारी की सारी क्या आपकी म्यूटेंट वैरायटी है। डेटा इंपोर्टेंट है इसलिए बोला आपको, जहां जहां इंपोर्टेंट डेटा आएगा देता जाऊंगा, ये आपकी सर सारी की सारी डिटेल आपकी वैरायटीज की डिटेल फॉर्म में नहीं, ओनली इन समराइज फॉर्म, है ना। यही कुछ होता है कॉपी पेस्ट, तो हर कोई स्टैंडर्ड सोर्स से ऑथेंटिक सोर्स से डेटा तो लेना ही पड़ेगा, बट डेटा वो जो सेलेक्टिव डेटा जो एग्जाम में आए। सो हियर यू कैन सी गाइस आपका म्यूटेंट वैरायटी तो है, लेकिन जो 8152 है ये गामा इंड्यूस म्यूटेंट वैरायटी है CO858527 से, एंड इसका क्लेम जो दिया है 40% मोर यील्ड देन द पैरेंट। तो पैरेंट से 40% ज्यादा ये प्रोडक्शन आपको देती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एस्कैरियस इन काउज ऑफ अप टू 6 weeks, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन विल बी गिवन। यहाँ पे अगेन बच्चों गलत नहीं होना है, हमें पाइप्राजिन राइट आंसर है यहाँ पे, एंड राइट आंसर क्यों है मैं आपको सोर्स देता हूँ, बिकॉज ऑथेंटिक सोर्स ही आपकी हेल्प करेंगे पेपर के सिलेक्शन में। सो सर ये जो है आपका IVRA का ऑथेंटिक डेटा, एंड ये आप देख सकते हैं पाइप्राजिन कंपाउंड जो है वो आपके SKS के लिए यूज किया जाता है, ये बोला आपके IVRA में, यहाँ पे कहीं भी इसके अलावा कोई और नहीं बोला गया। केमिकल्स लिखा गया, आप यूज कर सकते हो इन इन्फॉर्मेशन को भी, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाओगे राइट आंसर विल बी पाइप्राजिन सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करता हूँ, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन को नहीं जानता यार, है ना। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन की बात करता हूँ, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, जूट की बात करता हूँ, आपके कॉटन की बात करता हूँ, वहां पे गोल्डन रिवोल्यूशन है, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है, सिल्वर रिवोल्यूशन है, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। तो जैसा कि सिल्वर और सिल्वर फाइबर दो वर्ड आते हैं, सिल्वर किससे रिलेटेड है, पोल्ट्री से, सिल्वर फाइबर किससे है, कॉटन से, सेम जूट वाले केस में जब बोलता हूँ, गोल्डन रिवोल्यूशन जो है वो रिलेटेड है किससे, हॉर्टिकल्चर से, फ्रूट प्रोडक्शन से, हनी बी से।
बट जब हम बात करें गोल्डन फाइबर की, गोल्डन फाइबर वाले केस में रिलेटेड किससे है, रिलेटेड टू जूट, तो फाइबर वर्ड लग जाता है। यहाँ पे सेम लगा था तो यहाँ पे पोल्ट्री ऑप्शन दिया गया था, बट पोल्ट्री इज नॉट द राइट आंसर। सिल्वर फाइबर की बात करोगे तो वो किस रिलेटेड, आप कॉटन से रिलेटेड है। यू ही आंसर बोल के नहीं जाऊंगा, सारा का सारा समराइज फॉर्म में डेटा आपके लिए अवेलेबल है, पीडीएफ आप प्लीज डाउनलोड कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, जो जो रेगुलेशन है सारी यहाँ पे समराइज फॉर्म में अवेलेबल आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ, व्हाट इज एमएसएक्स इन द कंसेप्ट ऑफ ले फार्मिंग। कुछ भी नहीं यार, ले फार्मिंग क्या होता है, ले फार्मिंग का मतलब क्या है, ले फार्मिंग का मतलब आपका क्या करते हो, आप सिंगल क्रॉप को या कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप को ग्रेन के साथ क्रॉप लगा लो या फिर सिंगल क्रॉप लगा लो, किस पर्पज के लिए, फोडर के लिए, पशुओं के चारे के लिए। आपने जब फोडर को लगा लिया वो फोडर आपका क्या बन जाता है, इट इज नोन एज ले फार्मिंग। वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो सिंगल हो सकता है, वो इमीडिएट यूज के लिए हो सकता है, वो सिलेज बना के, साइलेज बना के, फ्यूचर फीडिंग के लिए भी हो सकता है। तो गाइस ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर आता है ये क्या आता है आपका, लेग्यूमिनस पास्चर विद द ग्रेन, तो बी आपका यहाँ पे क्या आता है, राइट आंसर आता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, अमंग दीज व्हिच वन इज नॉट अ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। तो गाइस स्लो रिलीज की बात करता हूँ, यूरिया वाले के सामने देखा होगा गवर्नमेंट ने बोला कि 75% जो भी इंपोर्टेड यूरिया है उसको नीम कोटेड कर दो, गवर्नमेंट ने बोला 100% जो इंपोर्टेड यूरिया उसको नीम कोटेड कर दो, फिर गवर्नमेंट ने बोला जितना भी मैन्युफैक्चर्ड यूरिया उसको सारा का सारा नीम कोटेड कर दो। इतना सारा किया क्यों जा रहा था, उसके लॉसेस को कम करने के लिए, उसके रिलीज को स्लो करने के लिए। जितना जल्दी रिलीज होगा उतने ही लॉसेस क्या हो जाएंगे बच्चों, उतने ही लॉसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। क्वेश्चन बोला गया स्लो रिलीज का, पूछा गया था आपका ए ऑप्शन स्लो रिलीज है ना, इसने बोला कौन सा स्लो रिलीज नहीं है ना, तो आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, बाकी सारे के सारे स्लो रिलीज है, बट अमोनियम सल्फेट आपका इट्स नॉट अ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है ना। तो नीम कोटेड बोल दो, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बोल दो, नेचुरल ऑर्गेनिक या फिर आपका सल्फोनाइल यूरिया या फिर आपका सल्फर कोटेड यूरिया, सारे के सारे स्लो रिलीज है, बट आपका अमोनियम सल्फेट इज नॉट अ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, बोला गया था विच क्रॉप शोज द सिम्टम ऑफ न्यूट्रिएंट इफ इट इज एब्सेंट अकॉर्डिंग टू दिस मैप। जो राइट आंसर यहाँ पे आता है, राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन, कैसे आपको बता देता हूँ। जब आप बात करते हो डी ऑप्शन की, यहाँ बोला गया बोथ 2 and 3, पहले 2 पे चलते हैं, कॉलीफ्लावर की बात करते हैं। कॉलीफ्लावर में आप सारे लोग जानते हो मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होगी तो व्हिपटेल डिजीज हो जानी है ना, और जब बोरोन की बात करें बोरोन के लिए तो सेंसिटिव असर ही है। वीट की बात करते हो, वीट के लिए इसमें कॉपर वाली डेफिशिएंसी आप बच्चों ने पढ़ा हुआ, रेक्लामेशन डिजीज होती है ना, तो ऑफकोर्स वीट वाले के इसमें भी राइट आंसर है कॉलीफ्लावर। शुगर वीट का जिंक के साथ रिलेशन नहीं है, तो एक आपका गलत है, 2 and 3 यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। अगेन आपके लिए समराइज फॉर्म में डेटा अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पीडीएफ है, डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया था व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सुरा डिजीज है ना, इंक्यूबेशन का मतलब क्या था, काइंड ऑफ डेवलपमेंट के वो जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है डिजीज का वो क्या होगा। मेनली ये एनिमल के अंदर है, बफेलो के अंदर, आपके काउ के अंदर होता है, हॉर्स के अंदर भी हो जाता है ये। सो मेनली हम यहाँ पे डेयरी की बात करेंगे तो काउ एंड बफेलो आएगा। जो इंक्यूबेशन पीरियड, जो डेवलपमेंट पीरियड होता है ये कितना होता है, 1 to 2 weeks का होता है। जो IBRI स्टैंडर्ड सोर्स हमारे बोलते हैं 1 to 2 weeks में जाओगे तो आपको बी मानना पड़ेगा, 5 to 30 days। यहाँ पे आपकी सूरा डिटेल की सारी की सारी डिटेल अवेलेबल है। अगेन दिस नंबर फॉर्म प्रिवेंशन कैसे करते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार स्टडी कीजिए, कुछ ज्यादा पॉइंट या बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्रॉप विच इज सेंसिटिव टू सोल एल्किनिटी। कोई दिक्कत नहीं है इसका आंसर करने में है ना, ये डेटा आपके पास है, नहीं है तो इसे सेव कर लो अपने पास। इसमें जो राइट आंसर आएगा आप देख सकते हो, सेंसिटिविटी के अंदर आपको डेटा दिया गया पहले से ही है ना, मेज क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्रॉप इज सेंसिटिव टू सोल एल्किनिटी, जो एल्किनिटी से क्या है, सेंसिटिव है, तो वो क्या हो गया आपका, मेज आंसर आ जाएगा राइट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नहीं था यार, 15 तो डेफिनेशन थी, किसकी डेफिनेशन थी, मॉइस्चर अवेलेबल इंडेक्स की डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दिया आपको। रेशियो ऑफ रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी एंड पोटेंशियल इवेपोरेशन इज नोन एज, कुछ नहीं यार इस वर्ड को हटाओ फिर आप बड़ी जल्दी समझ जाओगे। रेशियो ऑफ रेनफॉल एंड रेशियो ऑफ एंड पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन के, मेरा जो रेनफॉल का रेशियो है और जो पोटेंशियल इवेपोरेशन है इनके बीच को, इसे हम क्या बोल देते हैं, इट इज नोन एज मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। आप बोलोगे सही 50% क्या देगा, प्रोबेबिलिटी दी गई है ना, रेनफॉल हो सकती है नहीं हो सकती है बाद की बातें है ना। यहाँ पे जो आपको दिया गया ये डेफिनेशन दी गई मॉइस्चर अवेलेबल इंडेक्स की, डिटेल आपको अगेन यहाँ पे अवेलेबल है,
मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स क्या होता है आपका, थोन वेट मॉइस्चर इंडेक्स क्या होता है, बिकॉज फ्यूचर में क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, पैटर्न जरूर रिपीट हो सकता है, तो प्लीज आप इसे भी याद कर लीजिए ताकि फ्यूचर में काम आए। क्वेश्चन नंबर 16, दिस एनिमल इज क्लोज ऑफ बीकानेरी इज एंड मेरिनो रैम इज, है ना, तो मेल और फीमेल जो है बीकानेरी और मेरिनो का लिया गया, जो आपकी ब्रीड है इट इज नोन एज जो क्रॉस है वो क्या हिसार डेल, इमेज के अंदर आप देख सकते हो हिसार डेल को, डिटेल अगेन आपको समराइज फॉर्म में यहाँ पे दी गई है, वीडियो को पॉज करके आप डिटेल को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, Which among the following is a rock mineral? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बीटी को याद कर लो, वैसे तो बीटी होता है बैसिलस थोरिजेंसिस, बट क्यों बता रहा हूँ, बोरोन आपका होता है और आंसर क्या होता है इसका, टर्मेलाइन, है ना, तो बोरोन और टर्मेलाइन बीटी हो गया यहाँ पे, एंड अगेन आंसर नहीं दूंगा, सारा का सारा डेटा आपका सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन के लिए, कार्बन के लिए, फिर आपका फास्फोरस, फिर आपका पोटाश, एमजी, बोरोन, मॉलिब्डेनम, सारे के सारे सोर्स यहाँ मेंशन है, तो अगेन अगर पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन तो हमें कहीं भी पीछे नहीं रहना, डेटा हमारे पास होना चाहिए जो सबसे बड़ी हमारी पावर है एंड समराइज फॉर्म में होना चाहिए, है ना, यहाँ वहां से भागेंगे, बड़े बड़े सोर्स पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, तो एक हैबिट अपने अंदर बना लो, जब भी कुछ पढ़ो जो भी आपको इंपोर्टेंट लगे उसे समराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वो सबसे इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज एग्जाम में बड़े बड़े नोट्स आप नहीं पढ़ पाओगे बट छोटे छोटे समराइज फॉर्म नोट आपको काम आएंगे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, तो अगेन एक छोटी सी हेल्प मैंने आपके लिए कर दी है, ये तो सारे लोग जानते हैं, IAA पार्ट होता है किसका, पार्ट है ऑक्सिन का, इसका जो प्रीकर्सर है इट इज ट्रिप्टोफान, बट यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, ट्रिप्टोफान तो राइट आंसर आ गया, लेकिन आपके जो हॉर्मोन है सारे के सारे मैंने ऐड कर दिया, प्रीकर्सर कौन सा होता है अगेन आपको सिर्फ 5 लाइनों के अंदर लिख दिया है ताकि आपको बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े, समराइज फॉर्म में आपको आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 19, बड़ी ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी, फॉर्मूला सीखोगे यहाँ वहां से रट्टे मारोगे, नहीं ये काम नहीं करने है ना, हर बार ऐसा होता है ना, चीजें जैसे दिखती है वैसे ही नहीं होती, हमें यहाँ वहां से स्क्रीनशॉट लेके या फिर कहीं से फॉर्मूलाज लेके नहीं करना, अपना चलाओ, ये हमारे पास है ना, ये बहुत पावरफुल है ना, ये आपको आंसर देगा, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे होती है। क्या बोला गया, अ प्रोडक्ट इज गिविंग 90% एसिड इक्विवेलेंट, 90% दे रहा है, 100 नहीं दे रहा, 90% एसिड इक्विवेलेंट फॉर गिविंग 2.1 किलोग्राम पर हेक्टेयर, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ दैट प्रोडक्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट मस्ट बी गिवन, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो रही है, सिंपल सी फॉर्म में पर हेक्टेयर 2.1 किलोग्राम देना आपको, 90% कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन तो सर आपको 100% मेंटेन करना पड़ेगा, 100% कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, वो 9 है, 9 को मैं 100 बनाता हूँ, तो मुझे परसेंटेज में सिंपल यार आप प्री की तैयारी कर रहे हो, मुझे ज्यादा लंबा करना नहीं पड़ेगा, आप समझते हो, मैं अगर 10/9 कर रहा हूँ मतलब मैं 9 को 10 के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, और इंटू मैं कर देता हूँ आपका 2.1, कुछ फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 9 को 10 से डिवाइड करिए 1.11 आ जाएगा, 2.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, एग्जैक्ट आपको आंसर मिलता है आपका 2.33। मैं फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ, उलझना नहीं है ना, टाइम 45 मिनट्स मिलेंगे, क्वेश्चन 60 मिलेंगे, ऐसा अगर आ गया उलझ गए 2 मिनट लगा दिया तो फिर तो टाइम वेस्ट, दैट्स नॉट अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट यही है सिंपल एस फॉर्म में लेके चलो, तो 10/9 करा मैंने उसको 100% बनाया, 2.1 से मल्टीप्लाई करा, दैट्स इट, आंसर आ गया मेरा 2.33। नेक्स्ट चलते हैं, Which hormone is responsible for the cell division? तो भाई cytokinesis दूसरा नाम है किसका, cell division का, cytokinesis करता कौन है आपका, cytokinin, तो cytokinin will be the right answer here, यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, लीजिए आपके लिए summarized form में, फिर से data available है ना, आपको अगर यहाँ पे ये video बीच में आ रही है तो मैं इसे हटा देता हूँ, है ना, ये summarized form में आपके लिए available है, इसे please याद करिए, major function लिख दिए गए हैं आपके अलग अलग plant hormone के। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं ना, 21 बोला गया, व्हाट इज द बायो एजेंट टू कंट्रोल मिलीबग, मिलीबग जानते हो, नहीं जानते तो प्लीज पीछे देखो, आपके लिए मिलीबग भी लगा दिया गया, आपको दिख रहा है इसके अंदर है ना, मिलीबग का बायो कंट्रोल एजेंट बोला गया था, बायो कंट्रोल समझो ना, नेचुरल कंट्रोल जो होता है, तो बायोजेंट सारे लोग जानते हो है ना, बायोजेंट की बात करता हूँ, सिंपली हिंदी भाषी छात्र ज्यादा होते हैं ना, मित्र कीट हमारे जो है, तो इसके लिए कौन सा मित्र कीट हम यूज करते हैं, कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट हम यूज करते हैं, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, लेप्टोमेस्टिक्स डैक्टिलोपाई, है ना, ये क्या है आपका बायो कंट्रोल एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट है, किसके लिए, मिलीबग के लिए, एंड अगेन आपको डेटा देखो सर, डेटा तो दे दो, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको देंगे, मना नहीं करेंगे, ये मिलीबग है, मिलीबग की डिटेल यहाँ पे है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो डिटेल यहाँ पे है, और उसका जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो तो आपने पढ़ ही लिया है, तो वीडियो को अगेन पॉज कीजिए, पढ़िए इसे। क्वेश्चन नंबर 22,
which among the following does not belong to Ameliferi family, है ना? तो भाई lettuce आपका जो है ये belong नहीं करता, because ये Asteraceae family से, बाकी सारे के सारे Ameliferi family से थे, तो right answer यहाँ पे क्या जाता है? Asteraceae family का आपका lettuce, again आपके लिए यहाँ पे दे दिया गया है, कौन-कौन से किसके member है, again please आप इसे study कीजिए, आपके future में काम आ सकता है ये. Question number 23, tongue grafting is done in which fruit crop? भाई tongue grafting जो करते हैं ना, वो किसमें करते हैं? Apple में. Apple का scientific name दिया गया था Mellus domestica. आप बोलोगे सर एक तो पता चल गया, बाकी कैसे पता करेंगे? यहाँ तो आंसर ये क्यों आया? तो सर आपको याद करना पड़ेगा. ये लीजिए अगेन आपके लिए समराइज फॉर्म में, फिर से बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिंपली समराइज फॉर्म में किसके अंदर कौन सा कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन यूज किया जाता है? इट्स इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 24. Question number 24 बोला गया, according to GM Shell observation in capsula, what is the phenotype ratio of the duplicate abscesses in F2 generation? Capsula के लिए पूछा गया था कि F2 generation का जो phenotypic ratio है ये क्या होता है? आप बोलोगे सर ये GM Shell, ये तो scientist आप समझ गए. आप बोलोगे सर capsula क्या होता है? तो ये है क्या? ये एक बाइनियल प्लांट है आपका, हर्बेशियस फैमिली से, आपकी मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रेसिक एसी फैमिली से बिलोंग करता है. उसका आपका फिनोटिपिक रेशियो एफ टू जनरेशन का पूछा, कुछ भी नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो दी थी उस टाइम पे बोला गया कि जो एफ टू का रेशियो आता है इट इज 15:1, है ना? सिंपली याद करो, बिकॉज डिस्कशन करूंगा तो डिस्कशन लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा ये काम नहीं आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम. कौन से वो जिसमें आपसे रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी मांगी गई है? बीएससी एग्रीकल्चर. तो सिंपल इफेक्ट बेस हमें चलना पड़ेगा, हम जितना अंदर जाएंगे उतनी वीकनेस बना लेंगे. सो स्टे हियर, फिनोटाइपिक जो रेशियो था इट वाज 15:1 एफ2 जनरेशन का. क्वेश्चन नंबर 25 पे आता है, डार्क ग्रीन स्ट्रीक आ गया वहां पे किस पे? लोअर पोर्शन पे ऑफ द लीफ मिडरिब एंड लेटर ऑन सेकेंडरी वेन्स. बाद में क्या हो गया? सेकेंडरी वेन्स पे भी ट्रांसफर हो गया. डिजीज कोड मोर्स कोड, ये मोर्स कोड क्या था? आपने पढ़ा तो है यार, इसमें तो सिंपल उसने लिख दिया डिजीज ऑफ बनाना विल बी कोड. तो मोर्स कोड जो है ये क्या है? इट इज रिलेटेड टू योर बंची टॉप वायरस, है ना? सिंपली कुछ भी नहीं, ये हमने पढ़ा हुआ बंची टॉप वाले की, इसमें मोर्स कोड आपने पढ़ा था, फिर ऊपर डेफिनेशन उसका सिम्टम भी लिख दिया गया था, इट इज बंची टॉप वायरस. क्वेश्चन ये अगेन बंची टॉप वायरस के लिए लिख दिया गया, प्लीज अगेन इसे पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग बोला गया था. यहाँ पे हमने पहले से ही मैच कर दिया है, जो ग्लू कॉम है इस वायरल एंड वायरस है, मतलब जो फाउल टाइफॉइड है बैक्टीरिया से होता है, एस्पर्जिलोसिस जो है फंगल से होता है. अकॉर्डिंगली मैच कर लो, आपका वहां पे आगे पीछे थे, हमने आपकी कन्वीनियंट के लिए उसे सीधा सीधा कर दिया. राइट आंसर विल बी बी है, वो मैच करे गया पहले से, है ना? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो था यहाँ पे भी अगेन थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बच्चों के डाउट्स थे. क्या डाउट्स थे बच्चों के यहाँ पे, है ना? इसका जो राइट आंसर था वो तो बाद में बताता हूँ, पहले बात कर लेता हूँ जंगलों के अंदर कल्टीवेशन. ठीक है, जंगलों में कल्टीवेशन की जाती है, डेफिनेटली यस, है ना? जो आपके ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहते हैं, कल्टीवेशन तो ये लोग करते हैं. तो एक सिस्टम ये करते हैं जो इलीगल है, एक सिस्टम ये करते हैं जो लीगल है. बोलोगे सर इलीगल क्या है यार? जंगलों को जलाना लीगल थोड़ी है, आपको जंगलों को जलाने की परमिशन नहीं है, ये लोग तो जला देते हैं कल्टीवेशन के लिए. तो जब कल्टीवेशन के लिए जंगलों को जला दिया गया, व्हाट इज नोन, इट इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूमिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. बट एक सिस्टम जो इंडिया के अंदर लीगलाइज कर दिया गया है ना, कि आप जंगलों में हो तो कोई बात नहीं, खाने के लिए फूड लेना चाहिए तो आप ग्रो कीजिए, मना नहीं किया जाएगा. बट ग्रो करना तो कैसे करो? पेड़ों के बीच ग्रो करो, पेड़ों को जला के नहीं करो. तो अब पढ़िए डेफिनेशन, उसी की डेफिनेशन लिखी गई है, पेड़ों के बीच ग्रो करो, पेड़ों को जला के ग्रो नहीं करो. इट इज नोन एज टोंग्या सिस्टम. टोंग्या की डेफिनेशन यहां लिख दी गई थी, इन रेफरेंस टू एग्रोफोरेस्ट्री कल्चर ऑफ कंबाइंड स्टैंड ऑफ वुडी एंड एग्रीकल्चरल स्पीशीज, वुडी एंड एग्रीकल्चरल स्पीशीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्लांटेशन. तो भाई ये टोंग्या की डेफिनेशन है. राइट आंसर यहां पे आता है सी ऑप्शन आपका, टोंग्या विल बी द राइट आंसर हियर. ये आपके लिए यहां पे सारी डेफिनेशंस हैं. टोंग्या क्या होता है? हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेम और पार्शियल. तो डाउट है तो प्लीज गो थ्रू करिए इसको, आप सबको समझ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इजी क्वेश्चन था, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज डेवलप्ड इन इजराइल एंड वेल सूटेड इन एक्यूट वाटर शॉर्टेज. पानी की जब कमी है उस टाइम पे क्या है ये यूजफुल है, डेवलप करा है इसराइल ने. इसराइल को सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते हो, वाटर के लिए इसराइल बहुत फेमस है ना, वर्ल्ड की नंबर वन कंट्री है वो, जो अपने 85% वाटर को रिसाइकिल कर लेते हैं. वहां का 85% वाटर जो है मैन मेड है.
बच्चे अक्सर डाउट होता है सर मैन मेड कैसे पानी बनाते हैं, कैसे पानी बनाते नहीं है, वेस्ट पानी को रिसाइकल करते हैं, हम तो वेस्ट करते जा रहे हैं, ये उसी वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर लेते हैं। तो नंबर वन कंट्री है किसमें, वाटर मैनेजमेंट में, वाटर रिसाइकलिंग में। इन्होंने जिस टेक्निक को डेवलप करा था वो क्या होती है आपकी बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरीगेशन, और यू कैन कॉल इट ट्रिकल इरीगेशन, बी विल बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ड्रिप की यहाँ पे अगेन आपको समराइज इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, इसमें वाटर सेविंग कितनी होती है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डेटा नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर ऑफ परमानेंट चीक टीथ इन द काउज है ना, तो यहाँ पे मोलर और प्री मोलर पूछा गया था, तो आपको ना पता तो सिंपली बोलता हूँ, मोलर में 12 होते हैं, प्री मोलर 12 होते हैं, मोलर प्लस प्री मोलर 12 प्लस 12 करोगे सी विल बी द राइट आंसर। 24 इसका राइट आंसर आया था। डेटा आपको फिर से यहाँ पे दे दिया, बोलोगे सर मोलर प्री मोलर हमने तो पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं बच्चों नहीं पढ़ा, वी आर अवेलेबल फॉर यू, ये आपके सामने आप पढ़िए, डेटा मैंने आपको पहले बोला मैंने इस प्रेजेंटेशन काफी सारा एड किया है। क्वेश्चन नंबर 30, विच मिनिस्ट्री इज मर्ज्ड विद द न्यू जल शक्ति मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च्ड गोवर्धन योजना, तो गोवर्धन योजना लॉन्च करी, जल शक्ति मिनिस्ट्री से मर्ज हुई, कौन भाई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, सी विल बी द राइट आंसर हियर। 31, which among the following is not a bacterial disease, है ना, HS आपकी क्या होती है, bacterial है, backwater bacterial है, typhoid bacterial है, अब cholera जो है ये क्या है, ये भी bacterial है, but the blue tongue की बात करते हैं सर, bacteria से नहीं virus से होता है, right answer will be D here, because इसने बोला कौन सी bacterial नहीं है, तो of course blue tongue is a virus, so it's not a bacterial disease। Question number 32 पे आते हैं, If seed packet has a white sticker, then what kind of seed it is? अगर भाई white packet है, आप image के अंदर देख पा रहे हैं, वहाँ पे tag white दिया गया, and class कौन सी है sir? Foundation. तो यहाँ पे right answer क्या था आपका? D option, foundation seed है ना? अब बोलोगे sir यहाँ नहीं सारा बता दो, लीजिए आपको सारा बता दिया। Foundation के लिए आप समझ गए, breeder के लिए golden होता है, certified के लिए blue होता है, साथ साथ genetic quality आपको दे दिया। यहाँ से भी IBPS ने दो बार question पूछा पिछले 3 सालों के अंदर, so this data is also available for you, genetic purity किस seed के अंदर कितनी होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो विच डिजीज ऑफ ग्राउंड इट इज कॉल्ड बाय थ्रिप्स, तो थ्रिप्स आप इमेज के अंदर देख पा रहे हो, थ्रिप्स जो डिजीज करता है इट इज योर बर्ड नेक्रोसिस, भी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, तो आपकी बीवी जो होती है ना, बीवी मतलब वो वाली नहीं है ना, बीवी का मतलब आपका बीवी क्यों लिख रहा हूँ, ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, और वी आपका क्या है, वर्टी सॉइल, तो आपको बीवी से याद रह जाएगा, ब्लैक सॉइल का जो ऑर्डर है वर्टी सॉइल होता है, वर्टी सॉइल अगेन छोड़ूंगा नहीं आपको, डेटा देके जाऊंगा सारा का सारा, टोटल सॉइल ऑर्डर आपके मेंशन है, सारी की सारी समराइज फॉर्म में डिटेल, आप इसके गो थ्रू होइए, इसे याद करिए, नेक्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अगेन कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, डेफिनेशन यहाँ पूछी गई थी, व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉइल इन सॉल्यूशन फ्रॉम परकोलेट, परकोलेट करते हैं अपर से कहां पे लोअर लेयर में, सिंपल सी बात है यार, एक होता है एल्यूवेशन, एक आपका होता है इल्यूवेशन, जब सॉल्यूशन ऊपर से नीचे मूव कर रहा होता है वो लेयर होती है आपकी कौन सी, एल्यूविएटेड होरिजोन, और जो मूव कर रहा है सॉल्यूशन वो प्रोसेस होती है एल्यूवेशन, जहां पे जाके रुक जाता है डिपोजिट हो जाता है वो बन जाती है आपकी इल्यूविएटेड होरिजोन, और आपका प्रोसेस बन जाता है इल्यूविएशन। यहाँ पे तो सॉल्यूशन को परकोलेट किया गया था, मूवमेंट हो रही है, तो जब उसकी मूवमेंट हो रही है वो आपका क्या हो जाता है, इट इज नोन एज एल्यूविएशन, रुकेगा तो फिर क्या आता है, एल्यूविएशन। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बी विल बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया था फॉर विच अमंग द फॉलोइंग disease vaccination is not prepared yet, है ना, HS की वैक्सीनेशन हमारे पास है, FMD की है, ब्लैक वाटर एंथ्रेक्स की भी है, बट ये आपका एक मेटाबोलिक डिसऑर्डर, नॉन स्पेसिफिक मेटाबोलिक डिसऑर्डर ये है जिसका आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है, राइट आंसर इज मिल्क फीवर हियर। तो ये अगेन आपको यहाँ पे डिटेल दे दिए जो आपको रिक्वायर्ड है, अगेन बहुत सारा डिजीज के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, पैरासाइट से, फिर आपके मेटाबॉलिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिसऑर्डर एक ही प्रेजेंटेशन में, एक ही स्लाइड में आपको समराइज फॉर्म में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 37, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क जो होता है ये सारे लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, किस लिए होता है, कैरोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है ना, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नहीं था, अगेन वो डेफिनेशन थी, बोला गया पेयरिंग एट मियोसिस बिटवीन टू और मोर नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस समझते हो, होमो मतलब सिमिलर होना, नॉन मतलब सिमिलर नहीं होना, तो डिससिमिलर क्या है, ये आपके पेयर है, बोला गया पेयरिंग एट मियोसिस
between two or more non-homologous chromosomes, whether it be complete or partial. Complete, partial, kuch bhi doesn't matter, but diverse set hai of an aloploid individual is called. Matlab relation kuch nahi hai, totally different hai. Simply, agar aapko pata hai, to ye definition likhi gayi thi kiski, allosynthesis ki. And kuch bhi nahi, ye definition hai. As it is, aapko yaad karna padega, samajhna padega ise kya likha gaya hai. Relation nahi hai, non-homologous ki pairing wahan pe hui hai. Definition kiski hai, allosynthesis ki. Right answer yahan pe kya tha aapka, B, allosynthesis. Second last question पे चलते हैं आपका सिंकोनियम पूछा गया था सिंकोनियम जो फ्रूट टाइप है वो किसका होता है आप लोग जानते हो नहीं जानते तो आपको दिख रहा है आपको अभी भी नहीं पता फिर राइट आंसर बता देते हैं आपको फिग जो होता है वो क्या होता है आपका सिंकोनियम टाइप है ना तो राइट आंसर यहां पे क्या आता है आपका सिंकोनियम लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूं उससे पहले आपको डेटा देता हूं सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको समराइज फॉर्म में चाहिए यहां पे है ना ये अवेलेबल है फ्रूट टाइप कौन सा होता है उसके एग्जांपल सारे के सारे यहां पे दे दिए गए हैं इजीली आप इसे कैच कर सकते हो याद करिए आपको डेफिनेटली ये पेपर में काम आने वाला है लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूं लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसोसिएटिव सिंबायोटिक बायोफर्टिलाइजर बायोफर्टिलाइजर जानते हो ना फर्टिलाइजर तो केमिकल है बट बायोफर्टिलाइजर आपके जो है दीज आर नॉट केमिकल है ना नेचुरल सब्सटेंस से सिंथेसिस किया गया है तो एसोसिएटिव सिंबायोटिक बायोफर्टिलाइजर आपका सीरियल ग्रेन एंड ग्रासेस के लिए तो भाई कौन सा होता है कोई डाउट ही नहीं है आपका एजोस्पाइरम क्या होता है ये आपका क्या है एसोसिएटिव सिंबायोटिक ये 40 क्वेश्चन थे आपके RRB-SO एग्जाम के पीडीएफ आपका अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के अंदर जिनको नहीं मिले नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं फिर भी नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे जाओ ऐप को डाउनलोड करके एग्री कोचिंग सर्च करो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल आपके सामने है एंड इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल भी आपके सामने है ट्राई किया मैंने जितना डेटा आपको रिक्वायर्ड था वो दिया गया स्टिल अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कहीं डाउट है किसी क्वेश्चन पे आप नीचे पोस्ट करना मैं रिप्लाई तो नहीं करता बट बाकी सारे लोग यूट्यूब चेक करते रहते मुझे फीडबैक मिल जाता है वहां से कि क्या-क्या बच्चों की रिक्वेस्ट आई है तो मैं अगली बार जब अपीयर होऊंगा वीडियो में तो ट्राई करूंगा आपके उन डाउट्स को डिस्कस करूंगा पिछली वीडियो के कुछ कमेंट्स थे आपके मैंने देखे वो मैं वहां पे अगली वीडियो लेके आऊंगा बट RRB-SO के लिए आपकी कॉल्स और मैसेज आ जाते हैं फिर मुझे करना पड़ता है ना मैं ऐसा ही होता है मैं 8 बजे तक क्लासेस ले रहा होता हूं फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना पड़ता है थोड़ा सा लेट हो जाता हूं बट हमेशा ट्राई करता हूं कि जब भी आऊं कुछ यूजफुल डेटा लेके आऊं तो होपफुली आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा जो जो डाउट्स है आप कमेंट के अंदर पोस्ट कर सकते हैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम